बच्चों, ये वीडियो क्लास नाइन्थ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों आप लोग साइंस का लेसन नंबर 2, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी जो हमारे चारों मैटर हैं वो क्या शुद्ध हैं, प्योर हैं। अब इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस इट मीन मिक्सचर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सॉल्यूशन एंड सॉलिबिलिटी। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमने आपके सामने दो एग्जांपल दिए हैं, पहला है मिल्क, दूसरा है एयर। अब आप बताइए क्या मिल्क इज क्या प्योर सब्सटेंस है। साधारण भाषा में आम तौर पर प्योर सब्सटेंस को देखने का नज़रिया अलग होता है और साइंटिफिक वे में मैटर को देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर हम कहें जिस दूध में पानी ना मिला हुआ हो उसे हम शुद्ध दूध कहते हैं, प्योर मिल्क। बट जो मिल्क होता है इसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिले होते हैं, तो हम कह सकते हैं मिल्क इज़ अ मिक्सचर। मिल्क क्या बच्चों? एक मिक्सचर है, ठीक, ना कि एक प्योर सब्सटेंस। अब एयर की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉन रिएक्टिव गैसेस से मिलके बनी होती है। तो इसे हम कह सकते हैं एयर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो एयर क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि प्योर सब्सटेंसेस हैं क्या, प्योर सब्सटेंसेस हैं क्या। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। प्योर सब्सटेंसेस मे बी डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड, हैज़ ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सिंगल सब्सटेंसेस, इट कंटेन्स देम इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाई ए वेट। तो आप समझ गए होंगे, जो बच्चे नहीं समझे हैं मैं हिंदी में समझा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस वे होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं, यानी अर्थात हम कह सकते हैं एक ही टाइप के पार्टिकलों से मिलके बने हुए सब्सटेंस को प्योर मेटल कहते हैं। यदि कोई मेटल दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल अलग तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा वो एक मिक्सचर होगा, ठीक बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग करैक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये समझिए, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम आर ऑफ द सेम काइंड। प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के एटम के एटम होते हैं। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वैलेंसी आर कांस्टेंट। प्योर सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी सभी क्या होती हैं बच्चों? कांस्टेंट होती हैं। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दे आर होमोजीनियस, प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होते हैं। दे हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन, इनकी प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है। विच डज नॉट वेरी एट ऑल, ये क्या करते हैं? वेरी नहीं करते सभी में। आगे बात करें बच्चों हम लोग मैटर की। मैटर किसे कहते हैं और मैटर कितने टाइप का होता है? बच्चों अगर मैटर के टाइप देखें तो मैटर तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी एक स्टेट हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, चार टाइप का मैटर कह सकते हैं, मगर यहाँ आप जनरली जानते हैं तीन टाइप का, यानी जो इतने मैटर होते हैं तीन टाइप के होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस होंगे। अगर हम बात करें नेचर के अकॉर्डिंग तो मैटर दो टाइप के होते हैं कंपोजिशन में, एक प्योर मैटर होंगे और क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। प्योर मैटर किन्हें कहा गया है बच्चों? इसमें सेम वे सब्सटेंस जिनमें
एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एटम्स हों वो ऐसे चीज़ें क्या होंगी बच्चों, ऐसे सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होंगे। जैसे 24 कैरेट गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सारे पार्टिकल ऑक्सीजन के होंगे। ऑक्सीजन में क्या है बच्चों, सेम काइंड के द वाटर, प्योर वाटर, डिजिटल वाटर, सारे समय क्या है H2O होगा। बात आती है बच्चों मिक्सचर की, मिक्सचर किसे कहते हैं बच्चों, मिक्सचर में जब सेम काइंड ना होकर अलग अलग टाइप के एटम्स या पार्टिकल मिलके जिस कंपोजिशन को तैयार करते हैं उसे कहते हैं बच्चों हम लोग मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम लोग प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो एलिमेंट्स होंगे प्योर सब्सटेंस में, या क्या होंगे कंपाउंड होंगे। और एलिमेंट भी तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो ये आप थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे, इस क्लासिफिकेशन को ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, बस याद रखिएगा कि इस चार्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और बच्चों थोड़ी देर पहले जो हमने आपको अभी समझाया है यहाँ से प्योर सब्सटेंस से, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको पूरा का पूरा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कैरेक्टरिस्टिक भी नोट कर लीजिएगा सारी सारी बच्चों आपकी। तो इस चार्ट को अगर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और हाँ बच्चों एक चीज़ और, सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को में अपना कमेंट जरूर डालें। कमेंट में क्या रखना है, अपना नाम डालना है, क्लास और क्लास छोड़िए अपना नाम और सेक्शन कमेंट में ज़रूर डालना है, जिससे पता पड़े आपकी आप वीडियो देख रहे हैं। यानी आपको अपनी अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है, और अटेंडेंस तभी होगी जब अपना नाम और सेक्शन कमेंट में लिख देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, मैटर। मैटर क्या है बच्चों, मैटर डेफिनेशन ये नोट करनी है। द टर्म मैटर रेफर टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी हर वो चीज़ जो स्पेस लेती हो और उसके अंदर मास हो, ठीक है, क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इन अदर वर्ड द स्टफ दैट यूनिवर्स इज मेड ऑफ, यानी क्या है, पूरा का पूरा वर्ड मैटर से ही बना हुआ है। और मैटर होते हैं तीन टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर का एग्जाम्पल हो जैसे टेबल, बुक, पेंसिल, टीवी, फ्रिज, ये सभी क्या बच्चों स्थान लेते हैं, फिर क्या होता है मास होता है। ठीक है, सभी यह हैं मैटर। मैटर तीन टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने टाइप मैटर बच्चों, तीन टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे बात करते हैं सॉलिड के हम लोग। ठीक, अब सॉलिड क्या होता है, इन अ सॉलिड पार्टिकल, देखो सॉलिड कितना ठोस होता है, उसे पार्टिकल होते हैं वो एक पास होते हैं, एक मैनर में क्या होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक, तो लिखा समझिए, इन ए सॉलिड पार्टिकल आर पैक टाइटली टुगेदर, दे डू नॉट मूव मच। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, सो द एटम्स हैव ए स्मॉल वाइब्रेशन बट दे आर फिक्स देयर पोजिशन। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली फिक्स होते हैं पास और वो ज़्यादा मूव नहीं करते, उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं मोशन में होते हैं। और एटम हैव स्मॉल वाइब्रेशन, एटम कहते हैं छोट बहुत हल्का वाइब्रेशन रखते हैं, बट दे आर फिक्स देयर पोजिशन, और अपनी पोजिशन में फिक्स होते हैं। अब लिक्विड की डेफिनेशन समझते हैं, आपने लिक्विड देखा जो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है और क्या होता है उसके पार्टिकल होते हैं सॉलिड से ज़्यादा दूर होते हैं। अब सॉलिड तो फिक्स शेप होती है, बट लिक्विड कोई फिक्स शेप नहीं होती है, उसे जिस वेसल में डाला जाता है लिक्विड को वह उसी की शेप ले लेता है। लिखा हुआ है, इन ए लिक्विड द पार्टिकल आर मूव लूजली पैक्ड, पैक्ड तो होते हैं मैं लूजली पैक्ड होते हैं, इन देन सॉलिड दे आर एबल टू फ्लो, मैं क्या फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, ईच अदर गिव द लिक्विड एंड इनडेफिनेट शेप, उन्हें कोई शेप डिफाइन नहीं होती, देयरफॉर द लिक्विड विल कन्फॉर्म टू शेप ऑफ इट्स कंटेनर, यानी लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता है उस कंटेनर की शेप वो ले लेता है। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग तीसरे टाइप की, गैस की। इन ए गैस द पार्टिकल हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्पेस बिटवीन द एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, गैस में उनका स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ज़्यादा हाई होती है,
एंड हैज़ नो डेफिनेट शेप, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जबकि लिक्विड की वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, मगर गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। इट कन्फाइंड द पार्टिकल ऑफ गैस विल स्प्रेड आउट इनफाइनेटली, वो चारों ओर को स्पीडली, इस चारों ओर क्या होते हैं, इनफाइनेटली फैल सकते हैं। इट कन्फाइंड द गैस एक्सप्रेन इन कंटेनर, एंड जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका ही वॉल्यूम क्या होते हैं, वो गेन कर लेते हैं। ठीक बच्चों, इतना तक नोट कर लेना आपको, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ये पार्ट वन था, अब पार्ट टू आपको कल को आएगा। आप रेगुलरली वॉच करते जाइए, नोट करते जाइए, आज ये काम आज करना है, कल पे पेंडिंग नहीं छोड़ना है। थैंक यू।